जो है जिसका जिक्र हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो क्या है, आप ध्यान से देखना, समझना और क्लियर करना। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है यहाँ पर, आज हमारे बीच में जो है शोभना जी आई हुई है और ये यूपी से आए हैं, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के तहत यूपी ट्रिपल एससी के तहत लखनऊ से जो यहाँ पर पेपर हुआ है अभी या होने वाला है, या पिछले जो पुराने 2014 के, 15 के, 16 के और इसके बाद के जो आगे क्या फ्यूचर है और आगामी समय में क्या क्या हो सकता है, पेपर कब होगा और इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे, इन्होंने जो हमसे पढ़ा तो उसका क्या बेनिफिट रहा, आगे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये सारी बातों पर आज इस इंटरव्यू के तहत मंथन करेंगे। तो शोभना जी, आप यहाँ लखनऊ से कोटा आए हो, तो इस सफर में आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपसे बातचीत करके तो और अच्छा लगा सर, कि आपसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगा जो हमने तैयारी की थी, लेकिन अब एग्ज़ाम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा इसी बात से मायूस हैं हम, और एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए भी। बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जिसके थ्रू आपने उसमें मतलब फॉर्म भरा है? टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीआई डिप्लोमा, बीटेक और सीटीआई मांगा गया था, और एक्सपीरियंस उसके लिए हर क्वालिफ मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, जो जाए मतलब सबके मोस्टली ज़्यादातर इस वैकेंसी में बच्चों के पास हैं, कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास नहीं है, वो एग्ज़ाम शायद ना भी दे पाए, लेकिन जितना भी देंगे वो सब अपनी मेहनत और तैयारी के साथ दे रहे हैं अपना और कर भी रहे हैं तैयारी। बस मैं यही चाहूंगी सब लोग तैयारी करते रहें, सर का पढ़ाया हुआ सब पढ़ते रहें, बहुत अच्छा पढ़ाया, और बाकी तो आप सब मेरे साथी सब जानते ही हैं। आपके बहुत सारे साथी मैंने लाइव सेशन में देखे हैं, है ना? आपसे फर्स्ट बार में मेरी मतलब लाइव वालों से जो है ऑफलाइन में मीटिंग हुई है, और इसके बाद आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो बच्चों को जो मैसेज दे रहे हो इसके लिए मतलब जो आप फीडबैक दे रहे हो वो आपको धन्यवाद, और बच्चे भी इसको रियली फील ले क्योंकि किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ये है। अभी हाल में हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म भरा था 2400 पोस्ट में, जो उसमें फॉर्म भरा तो कितने लोगों का फॉर्म भरा था कुछ अपना आइडिया देते, आपको याद होगा ना पहले जो फॉर्म भरा था उसका? सर जब फॉर्म पड़ा था तब 29,000 के समथिंग कुछ फॉर्म था। 29,000 जब उस टाइम पर फॉर्म थे, तो क्या लगता है उसमें सब लीगल थे या अनलीगल थे फॉर्म, किस टाइप की करता? क्योंकि बार बार सबसे ज्यादा हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया, आज हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जिससे बच्चों का भी कन्फ्यूजन क्लियर हो और आपका हमारा भी क्लियरिफिकेशन हो सामने के सामने, जिससे बच्चे एकदम जो है जो फेयरनेस है उसको लेकर बातचीत हो जाए। सर जो फॉर्म पड़ा था उसका तो ज़्यादा मतलब उसमें फर्जी फॉर्म बहुत ज़्यादा था, और अब जो अपलोडिंग डाटा हुआ है उसमें काफ़ी मतलब अंतर है, तो कंपटीशन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, बहुत कम है इस वैकेंसी में, और जितना है भी बच्चा मतलब इसमें जो एग्ज़ाम देंगे मोस्टली सब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा अगर पढ़ने वाले हैं तो, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो बात ही नहीं की जा सकती, और पढ़ने के लिए भी बच्चे काफ़ी मतलब एक्टिव हैं, 500 से ज़्यादा बच्चा एक्टिव भी नहीं है इस वैकेंसी में, इतना ही मेरे हिसाब से तो बस इतना ही बच्चा एक्टिव है, बाकी तो सब ऐसे ही मैंने देखा है, कई सारे ग्रुप हैं उसमें देखती हूँ तो उसी से मुझे आइडिया लगता है, ये तो मेरा लेकिन मैं इस बात का आपकी बात से पूरा सहमत नहीं हूँ, बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये बोल रहे कि 500 से लगभग जो है बच्चे एक्टिव मोड पे हैं, एक्चुअल में जो फॉर्म भराए है और उसके बाद री अपलोडिंग मांगी गई थी उसमें न करके भी 75% लड़के या 70% लड़के आउट हो गए, और 6,000 के लगभग सही है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया। आपका क्या मानना, कितने थे? आप तो गए हैं यूपी ट्रिपल सी आयोग जाकर आए, तो क्या 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 फीडबैक मिला था? वहाँ से बस यही फीडबैक मिला था, आपकी वैकेंसी में ज़्यादा बच्चा नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम होने का थोड़ा वेट करिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, आपकी भर्ती होगी, फ्रेश होगी, हम चाहते हैं मतलब कोर्ट में ना जाए किसी भी तरीके से, इसलिए हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं इस वैकेंसी को, जो भी काम होगा आपके साथ अच्छा होगा। ये यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात करते हैं, जैसे 2014 की ले लो, 2016 की ले लो, 15 की ले लो, या अभी 2000 अपन बात करते हैं तो लेटेस्ट वाली भर्ती ले लो, ये सभी भर्तियां खास तौर से अपनी वाली मतलब अगर बात करें यूपी आईटी इंस्ट्रक्टर की, ये भर्तियां ज़्यादातर कोर्ट में गई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? बाकी भर्तियां तो कोर्ट में बहुत कम गई है, या गई भी तो निकल के आ गई, जैसे कि भी महिला वाला हुआ है, या इससे पहले भी कई, या इसके बाद भी कई भर्तियों का जो हो चेन हो रहा, बच्चे बैक टू बैक चल रहे, ये हमारी भर्ती ही आखिरकार क्यों अटक रही, बैक कुछ पता पाओगे आप? हमेशा जाती है, हमेशा जाती है और शायद जाती भी रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि
गवर्नमेंट हमेशा जीओ चेंज करती रहती है इस वैकेंसी को लेकर। 2008 में सीआईटीएस कंपलसरी किया था, फिर उसके बाद हटा दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे फिर ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए हर बार वैकेंसी कोर्ट में जाती है। अच्छा एक बात बताओ, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मुझे जो पता चले, बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ। इसके सबसे प्रमुख कारण ये है कि अभी हाल की अगर अपडेट की अपन बात करते हैं तो यूपी ट्रिपलेसी भी गलती कर देती है। गलती करने का मतलब उसको यूं कहे कि जो बच्चे हैं, है ना, फोन दे दो, जो बच्चे हैं अगर यूपी ट्रिपलेसी की बात करते हैं तो अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर बात की जाए तो इसमें क्या जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, या मतलब सेलेक्टेड का मतलब फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उनको जो चयन किया था तो उनमें जो 30,000 के लगभग बच्चे थे, वो 30,000 में से नाम मात्र के बच्चे 6,000 के लगभग, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मांगी गई थी सीआईटीएस, और सीआईटीएस जो है आयोग ने इसमें सीआईटीएस जो आयोग ने जो भर्ती तो कराया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु, उठा लो ले लो, कोई दिक्कत साथ में ले लो, कोई दिक्कत है ना, बराबर साथ में ले सकते हो ना, हाँ ट्रॉफी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, है ना। तो कितने साल का है? 2.5 साल का। चलो बच्चा कैसा लग रहा तुम्हें इंटरव्यू? ये नहीं बताएगा, बाद में बताएगा, चलो कोई नहीं, मम्मा को परेशान मत करो अभी। तो मैं जो बताने जा रहा था, ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि यूपी ट्रिपलेसी ने जो क्या गलती की है, एक तो सबसे पहले कि उसमें सीआईटीएस अनिवार्य कर दी, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी होती मैडम जो आपको बताना चाहता हूँ जिसमें सीआईटीएस होती ही नहीं, ऐसी 6-7-8 ट्रेड है जो अभी बाद में हटाई कुछ, है ना, क्यों कर दी? क्योंकि इसकी वजह थी कि सीआईटीएस होती ही नहीं है, और उसमें जो सीआईटीएस लागू कर दी, जो सरकार कराती ही नहीं योग्यता, तो उसको कैसे किया जा सकता? एक तो सबसे बड़ी भूल यूपी ट्रिपलेसी की ये थी। दूसरी ये है कि इसमें जब आवेदन स्टार्ट किए थे इसका कोई चार्ज भी नहीं रखा था, सभी ने कर दिया, जिसको भी मन करा उसने जो है फॉर्म डाल दिए, और इसकी वजह से 30,000 फॉर्म भराए थे। अब जो है इसमें एक जो है सबसे बड़ा अनुभव को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन इश्यू बना हुआ बच्चों का, कि अनुभव को लेकर के हमारा क्या रहेगा, तो 3 साल का कंप्लीट इसमें अनुभव मांगा गया। अब अलग अलग प्रकार से इसको अनुभव को लेकर के बातचीत चल रही है, तो अनुभव में टीएन नंबर होना चाहिए, और आपकी सैलरी स्लिप का भी दिया उन्होंने, आपकी जो पोस्ट का नाम दिया, बहुत सारी चीजें इसमें की है, अनुभव को लेकर के क्या रहा आपके? सर जिसका कंप्लीट है अनुभव वो समझो इस भर्ती में मतलब अंदर चला जाए। नहीं, अनुभव में प्रमाण पत्र में क्या क्या लिखा होना चाहिए? कार्य की प्रकृति होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, और ट्रेड से संबंधित होना चाहिए, बस ये 3 चीजें मांगी गई थी, ये सब होना चाहिए, 10-10 नंबर, GST नंबर, ये सब मांगा गया था, वो सारी गवर्नमेंट की सारी कंडीशन कम्प्लीट होनी चाहिए। हाँ, जो कि कम लड़कों के पास है, है ना। तो और इसके बाद में जो बात करते हैं तो एक तो ITI होगी या डिप्लोमा होगी या डिग्री होगी, इसी अकॉर्डिंग इन्होंने 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर की जो है क्या रखी है, योग्यता, वो योग्यता मतलब एक्सपीरियंस योग्यता, ठीक है, तो एक्सपीरियंस योग्यता को, और CITS भी अनिवार्य कर दी है, कुछ 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 चीजें जो प्रॉब्लम थी वो हटाई दी गई है, लेकिन ये समस्या जो है अभी भी पूर्णतः हल नहीं हुई। एक्चुअल में क्या है, टेक्निकल चीज ही ऐसी है जिसमें अथा तो ट्रेडे हैं, 55 प्रकार के ट्रेडों का इसमें जिक्र किया गया था, और उस ट्रेडों के बावजूद भी बच्चे जो है बहुत सारे उसमें डाल दिए। अब उसमें जो योग्यता मांगी उसके अनुसार, मतलब मुझे लगता है ये जल्दीबाजी में करते हैं, या फिर इनको समझ में नहीं आता टेक्निकल पार्ट की कैसे क्या करें, यही कुछ खास बचे होगी आपके ख्याल से। अब ये तो नहीं कह सकते हम आयोग ने वैकेंसी कैसे निकाली, कैसे क्या किया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल्स ये काफी सालों से चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा था, एक्सपीरियंस को लेकर सब जगह यही मांगा जाता है, 3 साल 2 साल और 1 साल का हर योग्यता के अकॉर्डिंग। बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप उनको नहीं देख रहे हो, बच्चों की तरफ नहीं देख रहे हो, बच्चे चाहते हैं कि हमें देखे, जैसे हम आपको देखते हैं, आप कमेंट करते हो ना। कब से जुड़े हो आप? 1.5 साल हो गया आप बैच लिए हुए हमको, और लगभग में कोर्स भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अब बस यही चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए जल्दी। हाँ, मतलब 1.5 साल के लगभग हो गया, एक बार कोर्स भी कंप्लीट हो गया, अभी दोबारा टेस्ट वगैरह और नया तरीके से थोड़ा सा अपडेट, या फिर एडवांस में जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ा रहा हूँ, इसको लेकर कुछ जिज्ञासा आपकी है? हाँ सर है, जब भी आप जैसे क्लास चलाते हैं तो हम लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं लाइव क्लास के टाइम पर, ऑफलाइन देखने में थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, तो बस यही कहना चाहते हैं एग्जाम की जैसे डेट का कुछ कंफर्म मिलता है हमको डेट, तो आप जल्दी मतलब लाइव क्लास स्टार्ट। अभी जो लाइव क्लास मैंने स्टार्ट कर रखी है आप उसको नहीं देख पाते, आप चाहते हैं कि एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने के बाद कंटिन्यूस में लाइव क्लास और चलाए, ठीक है ना भाई? अभी तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, जो चल रही है वो तो HD चलती है। ज्यादा सब्जेक्ट की हम कह भी नहीं रहे आपको भी लोड टीचर को लेकर, क्योंकि वो भी चाहेंगे आपसे मतलब
अपनी सैलरी को लेना। कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको हमें ज्यादा स्किल और इंग्लिश और कंप्यूटर को देख लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंग्लिश और कंप्यूटर ये देख लीजिएगा। वैसे जो बच्चे जिनको टाइम नहीं मिलता है वो रिकॉर्डेड में अगर देखना चाहे कोई से भी कोर्स को तो रिकॉर्डेड में तो पूरा है। हाँ, रिकॉर्डेड में तो मिल जाएगा, रिकॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अपना रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। अच्छा एक चीज मैंने अभी बदलाव किया, पहले जो पढ़ाता था मैं हैंड राइटिंग लिख करके पढ़ाता था, नोट्स बनवाता था, अभी उसको पीपीटी मॉडल कन्वर्ट कर दिया मैंने, पीडीएफ या पीपीटी मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या कि जो पहले भी 2 घंटे की क्लास होती थी, क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा शिकायत मेरे पास साफ साफ है कि आराम से पढ़ाते हैं, फुर्सत से पढ़ाते हैं, ये चीज जो मैंने नोटिस की थी अभी वर्तमान में वो मैंने चेंज कर दी। उसकी जगह क्या कर दिया कि उसी चीज का रूपांतरण कर दिया। रूपांतरण का मतलब मीन्स अगर कहे तो उसको पीपीटी मॉडल, जो 2 घंटे की क्लास है वो लगभग 1 घंटे से या 1.5 घंटे में या आधे घंटे में क्लियर कराता हूँ। तो ये जो बेस्ट है या फिर वो बेस्ट है, कैसे आपके हिसाब से? सर पीपीटी मॉडल की भी क्लास बेस्ट है सर, पहले जो पढ़ाया था आपने राइटिंग वर्क में वो भी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने हैंड टू हैंड मतलब सारे हमारे साथियों ने भी नोट्स बनाते चले थे, लेकिन अब कोर्स कंप्लीट हो गया है तो मेरे हिसाब से तो आप पीपीटी मॉडल पे भी चल जाएगा, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों को भी नहीं होगी क्योंकि मोस्टली पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सारे पढ़ ही रहे। अच्छा एक एमसीक्यू के अकॉर्डिंग सब तैयारी कर रहे हैं और आप भी ऐसे हमारे साथियों। अच्छा एक एमसीक्यू का आपने क्वेश्चन किया, एमसीक्यू में मैं टेस्ट सीरीज अगर आपको कराऊं पर डे जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनमें क्या राय है? सर इसके एमसीक्यू करवाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है हम लोगों के लिए, बेनिफिट है इसमें, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन तैयार होता है और सभी मतलब सब्जेक्ट के, आप जीएस का तो हम कह नहीं सकते ना आपको पता कि कहाँ से आ जाए, यूपीएससी है इसका नाम कि एग्जाम में कहाँ से कौन से क्वेश्चन रख दे कुछ नहीं कहा जा सकता। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब सिलेक्टेड सिलेबस है और कंप्यूटर का सिलेक्टेड है, जो जितना सिलेबस दिया है आएगा उसी में से, और 60% भी है 60 नंबर का है, इस वजह से इसमें से तो 100% 60 में से 40 नंबर तो बच्चा वैसे भी कर लेगा। तो एक काम कर सकते हैं अपन, जो अभी सिलेबस चल रहा है उसको उस हिसाब से चलने दे और अकॉर्डिंग करने से जो जल्दी में है तो रिकॉर्डेड पढ़ ले, राइट ना? तो दोनों ऑप्शन उसके पास क्लियर है जिससे कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का मौका मिले, और ये एक अच्छा मैसेज है जो कि बच्चों के लिए है। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो अभी जुड़े हैं तो वो कंटिन्यूस में उसको स्पीड बढ़ा कर पढ़ लें, स्पीड का ऑप्शन है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर इसके अलावा जो है पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, और आपने बनाने का अभी एग्जाम का कोई क्लियर नहीं कब तक एग्जाम हो जाएगा, जून अच्छा कुछ कब तक एग्जाम का बताओ थोड़ा, जुलाई अगस्त से पहले तो एग्जाम नहीं होगा। ये कैसे कह सकते हो आपकी जुलाई, क्योंकि बच्चे तो कंफ्यूज इस बात को लेकर पड़ा। सर जब भी आयोग जाते हैं वो केवल आश्वासन मिलता है वहां से बच्चों को कि एग्जाम जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, और लेकिन आयोग का कोई भी काम कभी टाइम पर हुआ नहीं है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं अभी, और आयोग के हिसाब से आपको लगता है कि 2 महीने में एग्जाम होने की संभावना है, तो जैसे ही एग्जाम होगा तो उसके बाद फिर ज्यादा लेट नहीं होगा, फिर तो फास्ट प्रक्रिया हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ज्यादा लेट नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, समय लगा है शॉर्ट लिस्टिंग में, टाइम लग रहा है, इसके बाद डेट एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो परेशान है इस बात को लेकर, किस बात को लेकर कि सर हमारे पास जैसे वैकेंसी आएगी तो 2 महीने बचे 1 महीने बचेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट जो लास्ट टाइम जुड़ेंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए उनको टाइम भी नहीं मिल रहा, ऐसे में वो स्टूडेंट अगर जो आपने अभी मैंने बुक बनाई है वो आपने देखी भी है और आपने ली भी है, आपको मैंने दी भी है, तो वो जो है बुकलेट अगर पढ़ ले तो उनको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? सर नहीं, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी तो क्वेश्चन ही है। नहीं, उसमें मैंने एमसीक्यू भी डाले हैं और पूरे मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, 20-15 मॉक टेस्ट तैयार करेगा तो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन डाउट में है, विवादित क्वेश्चन है, किसी बुक में कुछ दे रखा है तो किसी में कुछ दे रखा है, इसलिए उसका कंफर्म नहीं। उसके तो ले लास्ट में जो है अपना एडवांस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जब पढ़ाएंगे उसमें नई फीचर्स को अपडेट करेंगे लास्ट के टाइम, क्योंकि कई चीजें बदलाव हो रही है,
वो भी उसमें डालेंगे और करंट से भी जोड़ कर रखेंगे उसको, तो दो चीजें जो है लास्ट में रहेगी, जो जो मतलब दो चार दिन या आठ दिन अपने ऐसे कर लेंगे कि जो विवादित क्वेश्चन है उस पर मैं आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करा पाऊंगा, वो एडवांस एम्पलेबिलिटी करेंगे। और इसी के अतिरिक्त जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि नए अपडेट में आए हैं या करंट से जुड़े हैं, तो उनको लेकर अपन बातचीत कर लेंगे। तो मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो नोट्स नहीं बना पाए हैं या परेशान है कि अब तत्काल तो वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं और बुक्स को भी ले सकते हैं ना, पीडीएफ है, रिकॉर्डेड डाटा में सारा कुछ है, अपना देख के किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो ले सकते हैं और कर सकते हैं कवर में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके बहुत सारे साथे हैं जो आपके लाइव क्लास में हमारे साथ में ऐप पर पढ़ते थे, है ना, कई दोस्त है, तो उनका नाम दो थोड़ा सा, उनको अच्छा लगेगा। पुष्पेंद्र मौर्य है, अनुज है और प्रगति गुप्ता है, प्रियंका है, नैन्सी, हम मतलब 5-7 लोग हैं बस साथ में। आपको पता है ना, और आपके कमेंट भी देख रहे होंगे, यहाँ तक हमारे कमेंट भी देख रहे होंगे, हमारी बातें भी सुन रहे होंगे। अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, सका सका बहुत अच्छा है। हम तो ऑफलाइन आने के लिए थे, इसलिए हम सबके पास यही सोच कर आए कि देख कर आते हैं कैसा क्लास है, फिर हम यही पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा तो आपने, आप ऑफिस भी गए हो, कंप्यूटर लैब में भी गए हो, लाइब्रेरी में गए हो, ऑफलाइन में भी आए हो, ऑनलाइन में दिखाए, मैंने सारा सेटलमेंट दिखाया आपको पूरा जितना भी है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि सर हमारे साथ पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छा क्लासरूम बना रखा है हम लोगों के लिए। मेरे साथी जो भी चाहते हैं मेरे साथ क्लास अटेंड करें जुगल सर की, तो वो आ सकते हैं। हमको आप प्रॉपर कहाँ से हो, चलो ये बताइए। बरेली से हूँ, प्रॉपर यूपी में। बच्चे एक बात पूछना चाह रहे हैं क्योंकि यूपी के सारे लड़के हैं, और ये पूछ रहे बरेली की क्या चीज फेमस है? बरेली का झुमका, सुरमा है सर। अच्छा, सुरमा और झुमका। मैडम मैं तो राजस्थान से हूँ, मैंने तो एक जो है गाना सुना है कि झुमका बेलेरे बरेली के बाजार में, वो सही है क्या? कोई ऐसा बाजार है जो झुमके वगैरह? झुमका गिरा था वहाँ पर, कोई मतलब एक्टर यही झुमका गिरा था, इतना मैंने सुना था, तो उनके नाम पर एक चौराया बना गया है। अच्छा अच्छा, झुमके की शेप में ही बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस मुझे इतना पता है, बाकी तो सुरमा है बरेली का फेमस और आपका बांस है। अच्छा अच्छा, सुरमा बांस और झुमका, बरेली भी बोलते हैं। अच्छा, बांस बरेली भी बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो ये काफ़ी सारे, और आपके जब लाइव सेशन में ऐप पर पढ़ते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ में लाइव में आते हैं और वो आपसे कंटिन्यूस में जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि रियल में ही इसमें पढ़ने वालों स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट की, या फिर जो रियल में क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड का मतलब जो योग्यताएँ बखूबी रखते हैं, है ना, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो सकते हैं? क्योंकि 6,000 के लगभग तो अभी इसमें छट नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि है? तो काफी पुराना बैच था CITS करके, 2011 के पास आउट हूँ। उस टाइम के मेरे साथ के जितने भी साथी थे सब 2014 में लग चुके हैं, मेरे साथ के तो बहुत कम बच्चे हैं अब, करेंट के मैं ज्यादा देखती हूँ 2020-21 के। अच्छा, इससे पहले 2015-14 और 16 इन वैकेंसीज का क्या होगा और क्या हुआ है, कुछ बता पाओगे? 2015-16 की वैकेंसी का सुनते हैं कि इंटरव्यू होगा और शायद जल्दी हो जाए, और अब कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस दिन डेट आएगी उसकी तब पता। आपको कैसे पता कि इंटरव्यू होगा, आपको कैसे पता कि जल्दी होगा, इस बात का कुछ कह सकते हैं? गई थी, मैंने सचिव सर से बात की थी, उन्होंने बोला हम 2015 का काम भी अपने कार्यकाल में करवा के जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अभी हाल ही में जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए यूपीटर प्लेस में आपके इसको लेकर के, तो अभी लेटेस्ट भर्ती को लेकर के, और अपलोडिंग के बाद में जो कंडीशंस आई है, इससे क्या लगता है कि आपको अब जल्दी ही भर्ती होगी या पेपर कराएंगे, क्या लगता है? सर जल्दी होगी सुना तो जा रहा है सर, अभी भी फिलहाल आयोग में जो काम हो रहा है वो 2 महीने ले लेंगे शॉर्टलिस्टिंग के, जैसे शॉर्टलिस्टिंग आएगी उस टाइम पर वो डेट भी क्लियर करते हैं। अच्छा अच्छा, उसके समय पर मतलब डेट क्लियर हो जाएगी, तो फिर चाहे उसमें 15 दिन का टाइम मिले चाहे 30 दिन का मिले, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन डेट मिल जाएगी। बस शॉर्टलिस्टिंग के लिए जो भी समय जा रहा है जाना। अच्छा, इसमें जो भी स्टूडेंट बैठे हैं या आपको लाइव देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं साल भर से, 6 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, और ये ईमानदारी से अगर पढ़े तो क्या इनका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। वो कैसे कह सकते हो आप?
सर अगर पढ़ के एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा सर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सर। हाँ। ये तो उनको पता होगा कि कैसा एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, कैसा काउंट होगा गया, कैसे काउंट करेंगे वो, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरी आयोग टीम नहीं बैठी है। चलिए सही सही, आयोग आयोग है, हम हैं जो बात कर रहे हैं, ये तो एक हमारे विचार है, इसको कोई आयोग के विचार नहीं है, ये तो हमारी आपकी थॉट है कि भाई ऐसा हो सकता है, संभावना ही है ना कि वास्तविकता है ना। इसमें आयोग किस तरह से लेता है, एक्चुअल में नियमावली को फॉलो किया जाता है, वास्तविकता देखा जाए ना, है ना, है ना, और नियमावली के अनुसार जब लेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों में बदलाव, कुछ चीज़ों में अच्छा कुछ होगा इसे, ठीक है। तो ये चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है, और नियमावली फॉलो अस जो है आयोग करेगा भी सही, मुझे जहाँ तक पूरा यकीन है, और नियमावली में जो चीज़ें दी गई उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी हाल में भी देखे या पिछली बार भी देखे, इससे पहले भी देखे, सभी में जहाँ तक आपको पता है, एक बार कोर्ट में चल गई थी 2000 वो कौन सी भर्ती कोर्ट में गई थी 16 वाले, है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने पेपर कराने के लिए बोल दिया था, या तो आपको फिर वापस पेपर के बाद में इंटरव्यू किया इन्होंने, क्यों, क्योंकि जब कोर्ट ने दिया कि जिस बेसिस पे ये निकाली गई थी भर्ती उसी बेसिस पे वो, है ना, ये है ना। चलो मनोहर, अगर बच्चे को बच्चा जा रहा था आना है, खिला लो, ठीक है। तो कोर्ट में गया था कि मतलब इंटरव्यू होना था उसमें एग्जाम के लिए, फिर आयोग का आदेश आया था, इसी कारण से कोर्ट में चली गई। अब सुना गया कार्ड, जब कोर्ट ने आदेश दिया उन्होंने बोला कि एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू बेस पे ही हो, जिसकी वजह से इतने सालों से वेट करते रहे सारे अभ्यर्थी, और अब देखो कब करवाते हैं, इनका पता नहीं है इंटरव्यू होना है। अब अंत में मैं यही कहूंगा कि सारे प्रारूप का अगर बेस देखे, है ना, ले लो बच्चे को ले लो, ठीक है, सारे प्रारूप का अगर बेस देखे हम लोग अगर बातचीत करते हैं, तो इसी सेशन में अगर एक चीज देखा जाए, तो आप यहाँ आए इतनी दूर से, कितने किलोमीटर आपका गांव होगा यहाँ से घर, कितने होगा अंदाजा लगा सकते कुछ? 700-800 किलोमीटर, ठीक है। मैंने देखा नहीं कितना है। कोटा में आपको आकर के कैसा लगा, और इसे पीरियड में आप यहाँ आए हो, और आपकी इच्छा थी कि ऑफलाइन देख करके आऊँ मैं, है ना? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने जब आपका बैच किया था तभी से सोचा था मैं सर के पास ऑफलाइन पढ़ने, लेकिन मैंने आपसे बात भी की, आपने भी बात कर दिया कि ऑफलाइन नहीं, अभी ऑफलाइन। उस टाइम में जो हो ऑफलाइन का बेस खत्म हो गया था जब आपकी मेरी बात हुई थी, और एक टाइम जो है मैंने बोला था कि ऑफलाइन में आप आ सकते हो, ठीक है, दो कंडीशन थी उसमें, और अभी मैं फिर से जब चलाऊंगा तो आपको इन्फॉर्म करूंगा, ऐसा नहीं। और मैं तो बस यही चाहती हूँ, एक और फायदा हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, और आपको जो ऑफलाइन क्लासेज देखने में पूरा टाइम। अच्छा, माहौल कैसा लगा इस हफ्ते? बहुत शांति है, एकदम शांति से पढ़ाई भी बच्चे कर रहे थे, यही सब कंडीशन मुझे चाहिए थी, वो आप क्या कर रहे? मुझे लगता है मेरे साथियों को भी पसंद आएगा। बहुत सारे साथी देख रहे, पता आपको है ना, और ये देख भी रहे, बता भी रहे, वो कह भी रहे कि हम जो है क्या वहाँ चले कि नहीं चले, तो आप उनसे बात करना, जो भी जैसा। अच्छा, जो सपोर्ट में है बहुत सारे साथी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए और क्या कहोगे, और अंत में क्या शब्द बोलना चाहोगे सभी के लिए, जो भी साथी? मैं यही चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले सर का क्लास देखने के लिए यहाँ आई कि सर का ऑफलाइन क्लास कैसा है, लाइव कैसे पढ़ाते हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ में सभी सपोर्ट में रहें, ऐसा मन करे तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑफलाइन के लिए आ सकते हो, अच्छा आपने ऑनलाइन भी ले लिया, अब ऑफलाइन के लिए भी आना चाहते हो और बच्चों से भी कह रहे हो, एक्चुअल में सही मायने में देखे तो अब आपके बहुत सारे स्टूडेंट तो जो आपको जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोर्स ले या न ले, या कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, कुछ इस टाइप की कई तरह की मन में भ्रांति आती है, क्योंकि देखो कोटा है यहाँ तो, और वहाँ आप यूपी में बैठे हैं, बच्चे बाहर बैठे हैं, तो हिंदुस्तान के कोने कोने से बैठे, तो वो कैसे विश्वास करें, क्या सही है कि नहीं है, कैसे ले? नहीं, सब अच्छा है, और विश्वास करोगे तभी आपको विश्वास बढ़ेगा। सर को तो हम भी नहीं जानते थे, ना सर हमको जानते थे यूपी में किसी को, सर ने हम लोगों की वैकेंसी के लिए कोर्स स्टार्ट किया, हम लोगों ने एक भरोसा करके ही सर का कोर्स ज्वाइन किया। बहुत साथी हैं हमारे जो यूपी से हैं और राजस्थान के सर हैं, और उनको पे बिलीव किया तभी उनका कोर्स लिया, और क्या पता क्वेश्चन भी सर के ही पेपर में मिल जाए कुछ। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मैं सुबह शाम उठते हुए। मैंने कई कंपटीशन में ऐसा देखा, राजस्थान में देखा था,
कंप्यूटर का ऑपरेटर का एग्जाम था, तो उसमें सर ने जो अपनी टेस्ट सीरीज लगाई थी, कोचिंग वाले सर ने पूरा टेस्ट सीरीज उनका ही रख दिया था। तो कभी कभी लगता है कि कोई क्लास नहीं चल रही है किसी मतलब कोर्स के लिए, तो कभी कभी आयोग का भी कुछ भरोसा नहीं है कहाँ से कोई कौन सा क्वेश्चन उठा लें, कि टेस्ट सीरीज में से उठा लें या क्वेश्चन बैंक में से उठा लें या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के प्रैक्टिस सेट होते हैं उनमें से लें। अच्छा, बच्चों को हम लोग PDF भी देते हैं जिससे वो नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में उनको जो है ऑनलाइन क्लास देते हैं, स्पीड बढ़ाकर पढ़ सकते हैं, साथ साथ में उनको टेस्ट सीरीज भी देते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आज के समय में जो हम दे रहे हैं ये ऑफलाइन में भी दे सकते हैं, तो ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन में उपलब्ध है। और जो आए हैं तो उनको कंप्यूटर लेब पर पेपर के लिए प्रैक्टिस दी जाती है, साथ में जो है लाइब्रेरी भी दी जाती है। ये सारी सुविधाएं जो है बच्चों को अतिरिक्त रूप से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और इन्हीं सभी को लेकर बातचीत की, खैर ये बहुत सारी बातें हो गई है, इसी बीच में मैं चाहूँगा कि अपनी बात को जो है विराम देने से पहले मैं दो शब्द बच्चों के लिए या आपके लिए, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहूंगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे साथी सब पढ़ते रहे, तैयारी पूरी करके रखें, एग्जाम का कुछ पता नहीं कब डेट आ जाए, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तो बनाए रखें जिससे कभी भी डेट आए तो हम एग्जाम में दे लें। आपकी कभी कई बार जो है ऐसी इच्छा होता है कि सर सर हमसे बात करें, पता हम जब आपसे बात करते हैं तो सीधा कैमरे को देखते हैं अभी भी मैं बच्चों से, और आप जो है ज़्यादातर जो है माइक पर इधर ध्यान रखते हो। जो बच्चों से लास्ट में हम ये चाहेंगे कि इसी जुनून और इसी जज्बे के साथ पढ़ते हैं, राइट ना, तो क्या होगा कि एक दिन सफलता सुनिश्चित मिलेगी। देखिए शोभना जी राजपूत तो हमारे साथ में बैठी हुई थी, हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, उनका फीडबैक भी ले रहे थे कि किस टाइप से किस प्रकार से UPSC की तैयारी करें और आगे का प्रोसेस क्या रहे। तो इन फ्यूचर में आपके साथ में बने रहेंगे इसी प्रकार के लाइव सेशन में, और इसी प्रकार से हम लोग आपको, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लड़के जो है कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो आप सभी टीचर्स का मैं दिल से हृदय से आत्मा से आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और शोभना जी से भी कहूंगा कि वो भी आपको इसी प्रकार से शेयर लाइक करें शोभना जी को, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ा आपका, तो आप भी कोई भी जब भी हो सके संभवतः अगर कोटा आते हो तो जरूर हमसे मिलके जाइएगा। जिस प्रकार से इन्होंने टाइम निकाला, इनकी इच्छा थी कि एक बार फीडबैक देख करके आऊँ, तो फिर मैं ऑफलाइन में बच्चों को बताऊँ और खुद भी पढ़ूँ और खुद भी आऊँ। ये एक दिल और मतलब दिल और जान से मैं आपको चाहता हूँ कि भाई आप आइए, स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है, किसी प्रकार से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोटा की नगरी में हिंदुस्तान के हर कोने कोने से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और शिक्षा प्राप्त करके जाते हैं, नौकरी लग लग के जाते हैं, तो ये स्थिति आपको यहाँ पर, क्योंकि कोटा में कुछ भी नहीं है, केवल फैक्ट्री है स्टूडेंट की, और वो है इसी वजह से आज यहाँ कोटा चल रहा है। कोटा में जो है केवल और केवल शिक्षा, इसीलिए कोटा को कोटा नहीं शिक्षा नगरी कहा जाता है। तो राजस्थान में कोटा एकमात्र शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा 1-2 लाख नहीं, कम से कम 10-20-30-50 लाख जो है यहाँ स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट थोड़े बहुत संख्या में नहीं, बहुत संख्या में। जी हाँ, अगर बात करते हैं IIT PMT को ले लो या छोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम को ले लो, बड़े ले लो, ऑनलाइन मोड को ले लो, ऑफलाइन मोड को ले लो, कई प्रकार के स्टूडेंट यहाँ आते हैं और अच्छी प्रकार की शिक्षाएं ऑनलाइन मोड पर, ऑफलाइन मोड पर लेकर के जो है प्राप्त करते हैं, नौकरी लगकर सुनिश्चित करते हैं अपना स्थान। ये होती सारी बातें। चलिए, हमने शोभना जी के साथ में बहुत सारी बातें की, अब हम चाहेंगे कि हमारे प्यारे बच्चा जो बार बार रो रहा, बच्चा एक बार बच्चों को जो है बता दो कैसा लगा ये इंटरव्यू का सेशन। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से बताइए, हाई हाई करो, हाई करो, बहुत अच्छे बच्चे, चलिए अच्छा रहा। अब आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, खासतौर से मुझे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, लेकिन शोभना जी आप बोल दीजिए, आपकी बात बच्चे जरूर ज्यादा मानेंगे। मुझे अच्छा लगा, और आप भी आकर देखेंगे मेरे साथियों तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सर का पढ़ाया हुआ भी पूरा क्लासरूम सेटअप सब अच्छा है, अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो आ सकते हैं सर के पास, मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा उसमें। अच्छी बात है, इनके साथ आप भी आइएगा और सभी मिलकर के हम बढ़िया तैयारी कराएंगे, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। कहते ना एक शब्द बोल दूं, जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पांव में जरूर साला होगा, बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। यकीन मानिए, आप संघर्ष कीजिएगा, हम आपके साथ में बस इसी मोड पर चलते रहेंगे रोजाना लाइव सेशन में। आज के लिए इतना ही सही, बस थैंक यू आप सबको भी, और देख रहे हैं आपको और शेयर कर रहे हैं, पता फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, खासतौर से जिनका नाम आप अगर बोलोगे तो लाइन लग जाएगी, तो इनका बहुत सारे लड़के जो शेयर कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे साथियों, और जैसे आज मैं आई हूँ इसी तरीके से आप भी आइए सपोर्ट करने सर के लिए। चलिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए आप अपने आप का और शोभना जी का जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि आप भी उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। और इस प्रकार से जो है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही इस भर्ती का रिजल्ट आएगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगा इन सबको, और इसमें जो है शोभना जी को बुलाऊंगा, आप सबको कम से कम जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्शन होगा सबको कॉल करके बुलाया जाएगा, उसके लिए एक आपको मेगा मैराथन में जो बिठाऊंगा, मंथन बिठाऊंगा, उसमें जो है सारे हम लोग जो है बातें करेंगे, पार्टी करेंगे, बहुत मजे करेंगे। चलिए, यकीन और विश्वास से कहता हूँ जो कि आपके UPSC
यूपीएससी की सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंग बनेगी ये, खास तौर से आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए। तो ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, और अभी के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, इतना टाइम आपने दिया मूल्य, और शोभना जी आपने भी जो टाइम दिया इसके लिए दिल से धन्यवाद, और आप जो इतनी दूर से यूपी से यहाँ तक पधारे हो बरेली से, तो इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद, और सभी बच्चों को भी मैं दिल से धन्यवाद जो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, खासतौर से जो कंटिन्यूस में हमारे से जुड़े हुए ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड पे, और प्लेटफॉर्म चाहे कोई सा भी हो लेकिन जुड़े हुए आप सभी को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।